पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बना हुआ है और हम इस वक्त उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे इस्लामिक लॉज को जो हमें करना चाहिए। अब जब हम भारत के मुसलमानों की बात करते हैं, मैं कोई छोटी और सुने ना बेटा, और भारत के मुसलमान भी दीन को सियासत का हिस्सा और सियासत को दीन का हिस्सा नहीं समझते। वही स्कूल हैं इधर भी, ये दोनों स्कूलों ने यहाँ पे इस्लाम करप्ट किया ना। दीन को अलग कर दो, सियासत को अलग कर दो। अल्लामा इकबाल बेचारे रोते रहे कि ये काम ना करना। और यहाँ पे इस वक्त जो भी बंदा दीन और सियासत को इकट्ठा करता है उसको एक्सट्रीमिस्ट कहना शुरू कर दिया पाकिस्तान के मौलवियों ने। तो ये बेशर्मी अपने सर पे खुद डाली ना इन्होंने। जब इस्लाम से सियासत निकालेंगे तो फिर इंडिया में क्या, पाकिस्तान में भी इस तरह की हरकतें शुरू हो जाएंगी। और हुई हैं, हो रही हैं, कल इस्लामाबाद में हुई हैं। आप इंडिया को रो रहे, मैं कल इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं। जी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है आपकी। कल दो बच्चे हमारे शहीद हो गए पाकिस्तान के इस्लामाबाद के डी चौक के ऊपर धरना देते हुए फलस्तीन के। अब मैं उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ को रोज जाके उनके, या हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान लड़की के साथ क्या हुआ। हम खुद अपनी बच्चियां नहीं बचा सक रहे हैं, उनकी बच्चियों को बचाएंगे। निजाम जरूरी है इस्लाम का, इस्लाम का निजाम पाकिस्तान में बनेगा पूरी दुनिया में इसकी वेव जाएगी कि फिर हम जाके जहाद भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कोई जहाद करने जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी सिक्योरिटी देने फुटबॉल टीम को पहुंच गई थी वर्ल्ड कप में, मगर फलस्तीन को नहीं पहुंच सकती। ये भी तो देखे ना, ये अपने इंतजाम अपने निजाम में पूरे हैं, वो इस्लाम के निजाम में पूरे नहीं हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के, आपने ऑब्वियसली एग्जांपल दी जो अभी हुआ इस्लामाबाद में, भारत के मुसलमान और भारत के उलमा इस वक्त क्या कर सकते हैं और ये इस्लाम का जो सिस्टम है उसको कैसे सही नाफिज कर सकते डेफिनेशन हैं देना, पाकिस्तान उन्हीं की का तो तरफ, कसूर है कि भारत के उलमा ने पाकिस्तान बताया में हुआ भी। कि ये वाला इस्लाम काफी है, गंडे खाना इस्लाम में सवाब है, ठीक है, और निजाम को का कोई हैसियत नहीं इस्लाम में। इस्लाम का बस काम है कलमा नमाज रोजा ज़कात हज, ये मौलवियों ने बताया हुआ ना, इन्हीं का कसूर है जो हर मुसलमान लड़का लड़की पिस रहा है इस वक्त। कॉल ड्रॉप हो गई, मुझे लगता है हमें कुछ ही देर में दोबारा कनेक्ट करेंगे साहिल साहब वीडियो लिंक के जरिए। जी आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जहाँ तक बात है ना, इस्लाम जो है वो सियासत से दूर है, ऐसी तो बात मैं नहीं जानता किसी आलिम दीन ने कही हो। अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में फरमाया, जुदा जब भी हो सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। पूरा शेर ये है, जमाले पादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। और कैमी पाकिस्तान से लेके अब तक पाकिस्तान में बहुत सी मज़हबी सियासी जमातों ने नफाज़े निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिशें की हैं, बहुत से लोग इसमें शहीद भी हुए। नो डाउट के पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बना, कलमा तैयबा के नाम पे बना, ठीक है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही नारा था हमारा तहरीक आज़ादी में पाकिस्तान हिंद में। तो लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इस मेजर मकसद को जो है वो पसे पुश डाल दिया गया, ठीक है। इसमें नो डाउट के उस दौर की जो भी हुकूमत थी, उस दौर में जो भी रियासत कायम हुई, उन लोगों की तरजीहात में ये शामिल नहीं रहा, ठीक है। उस जो पहली पाकिस्तान की पहली असम्बली थी उसमें कितने उलमा थे, ना होने के बराबर। लेकिन जब जब उलमा को मौका मिला उन्होंने अपने तई कोशिश की। अब आते हैं इस बात पे कि जो है वो भारत के मुसलमानों को क्या करना चाहिए। देखिए खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के खुद बदलने का। बिल्कुल सही। इकबाल ये शेर फरमा गए और यकीनन ये कुरान पाक की आयत वल्ला जीना जाहदू फीना लन हदियन्नहुम सुबुलना का तर्जमा है कि जब वो खुद जो है वो कोशिश करेंगे, खुद स्ट्रगल करेंगे, खुद इकट्ठे होंगे। और इकबाल का एक और शेर है ना कि मिल्लत जो है फ़र्द कायम रबते बिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, हम जो बिखर गए हैं ये वजह है कि हमें मुसलमानों को दुनिया में मार पड़ रही है। जब तक हम एक नहीं होंगे, हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम में जो है वो रब्त कायम नहीं होगा, हम बाकी मिल्लत जो है बन के जो है वो काम नहीं करेंगे, तो हमें जो है वो नुकसान होता रहेगा। भारत में मुकीम मुसलमानों को सबसे पहले तो इकट्ठा होना चाहिए, जितने वहाँ पे मज़हबी इदारे हैं, मज़हबी तनज़ीमें हैं, मज़हबी सियासी तनज़ीमें हैं या सिर्फ मज़हबी जमातें हैं, उन सबको इकट्ठा होके इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। देखें दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज है, दुनिया के जो है वो ममालक बन चुके हैं, उनके बाई लॉज हैं, ऐसे ही यूएनओ के नाम से एक जो है वो
हमारी कौम चुदा है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी कहीं किसी ऐसी चीज़ की, अगरचे हम समझते हैं कि यूएनओ जो है जहाँ भी खून मुस्लिम बहता है वहाँ पे उसकी जो रिएक्शन की जो स्पीड है, उस पे जो अमल दरामद की स्पीड है वो बहुत सुस्त होती है, ठीक जबकि इसके उलट हो, जहाँ पे कहीं मुसलमान से कोई ऐसा मामला पेश आ जाए तो वहाँ पे बड़ी स्पीडी जो है वो उसका एक्शन दिया एक्शन जाता लिया है। जाता है। ठीक ये उनकी तरफ से नाइंसाफ़ी है, लेकिन हमारे ज़िम्मे कोशिश करना है। जिहाद भी कोशिश का नाम है, ठीक है, जिहाद में जिहाद बिल माल भी है, जिहाद बिल नफ्स भी है, जिहाद बिल सैफ भी है। हमने जिहाद बिल सैफ तर्क कर दिया, इसमें यकीनन ये बड़ी वजह है कि हमारे ऊपर जो है वो गैर मुसलत होना शुरू हो गए। ठीक। जब मैं आपसे बात करती हूँ मुझे बताया, जैसे साहिल अदीम भी यही पॉइंट दे रहे थे कि जब हम बात करते इस्लाम की, तो इस्लाम का सिस्टम हमारे पाकिस्तान में भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ना नाफिज है। तो आप बताएं कि उलमा की क्या ड्यूटी है, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस्लाम के सिस्टम को हम कैसे नाफिज कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक बात है ना कि कोई भी बंदा किसी एक अपने फ़र्द को लेके तो उस पर सारी जिम्मेदारी डाल दे, ये फलां बंदे की ही जिम्मेदारी थी और उसने इसको पूरा नहीं किया। जहाँ तक बात है ना, इस्लाम किसी एक चीज़ के अंदर समाया हुआ नहीं है। कोई बंदा अगर ये कह दे कि सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद का नाम इस्लाम है तो भी गलत होगा। अगर कोई बंदा कहता है सिर्फ़ और सिर्फ कलिमा पढ़ लेना इसी का नाम इस्लाम है तो भी इस्लाम नहीं है, ठीक है। कोई बंदा अगर तबलीग को सिर्फ इस्लाम कहता है तो भी ये मुकम्मल इस्लाम नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर तो एक इस्लाम को, एक इस्लाम के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं। इस्लाम किसी भी एक चीज़ के अंदर नहीं समाया हुआ। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तबलीग की, तब तबलीग यानी जिस मुआशरे के अंदर तबलीग की ज़रूरत हो वहाँ पर तबलीग के साथ दीन फैलाना ये इस्लाम है। जहाँ पर आपको ज़रूरत बन जाए जिहाद की वहाँ पर जिहाद करना इस्लाम का तकाजा है। पूरी की पूरी इस्लाम की हिस्ट्री को आप किसी एक चीज़ के अंदर नहीं कह सकते। जहाँ तक बात है कि उन्होंने कहा जी कलिमा नमाज रोज़ा और इससे हम आगे नहीं निकल रहे और फलां बंदा इतने लोग हज करने के लिए आप गए उनकी हुए बात हैं। को सेकंड करते हैं या नहीं? देखें, बहुत सारी बातें ठीक थीं उनके अंदर, मतलब उनको मुस्बत दिया जा सकता है, उनसे एक मुस्बत पहलू निकाला जा सकता है, लेकिन हर चीज़ कह देना कि किसी एक फ़र्द के ऊपर है ये भी बात दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक बात है, मैं इसलिए बयान कर रहा था कि इस्लाम के अंदर तमाम चीज़ों का एक अपना वजूद है। रसूल, अब ये देखें, हमने तो नहीं कहा कि इस्लाम ये पांच चीज़ों के ऊपर है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बुनियल इस्लामु अला खमसिन, कि इस्लाम की बिना इन पांच चीज़ों के ऊपर है। अब देखें, कोई भी मौलवी साहब हैं, कोई भी आलिम दीन हैं, कोई भी मुफ्ती हैं, कोई भी हाफिज साहब हैं, कोई भी कारी साहब हैं, कोई भी हैं, उन्होंने तमाम तर चीज़ें कुरान और सुन्नत से निकालनी है। अब चूंकि हमारा मौजू तो ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हम क्या करना चाह हमें क्या करना चाहिए, असल तो हमारा फोकस आज उस पर होना चाहिए था, लेकिन बात फिर इस तरफ निकल आई। तो इस्लाम को जिस चीज़ की ज़रूरत हो, इसलिए खालिक कायनात ने फरमाया ना कि जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएगा। तो अल्लाह ताला के दीन की मदद करना क्या है, हर तरीके से जिस मुआशरे को जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस मुआशरे को वो चीज़ मुहैया करना, ये हम सब की जिम्मेदारी के अंदर शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक बात है ना कि कोई भी बंदा किसी एक अपने फ़र्द को लेके तो उस पर सारी जिम्मेदारी डाल दे, ये फलां बंदे की ही जिम्मेदारी थी और उसने इसको पूरा नहीं किया। जहाँ तक बात है ना, इस्लाम किसी एक चीज़ के अंदर समाया हुआ नहीं है। कोई बंदा अगर ये कह दे कि सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद का नाम इस्लाम है तो भी गलत होगा। अगर कोई बंदा कहता है सिर्फ़ और सिर्फ कलिमा पढ़ लेना इसी का नाम इस्लाम है तो भी इस्लाम नहीं है, ठीक है। कोई बंदा अगर तबलीग को सिर्फ इस्लाम कहता है तो भी ये मुकम्मल इस्लाम नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर तो एक इस्लाम को, एक इस्लाम के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं। इस्लाम किसी भी एक चीज़ के अंदर नहीं समाया हुआ। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तबलीग की, तब तबलीग यानी जिस मुआशरे के अंदर तबलीग की ज़रूरत हो वहाँ पर तबलीग के साथ दीन फैलाना ये इस्लाम है। जहाँ पर आपको ज़रूरत बन जाए जिहाद की, वहाँ पर जिहाद करना इस्लाम का तकाजा है। पूरी की पूरी इस्लाम की हिस्ट्री को आप किसी एक चीज़ के अंदर नहीं कह सकते। जहाँ तक बात है कि उन्होंने कहा जी कलिमा नमाज रोज़ा और इससे हम आगे नहीं निकल रहे और फलां बंदा इतने लोग हज करने के लिए आप गए उनकी हुए बात हैं। को सेकंड करते हैं या नहीं? देखें, बहुत सारी बातें ठीक थीं उनके अंदर, मतलब उसको मुस्बत दिया जा सकता है, उनसे एक मुस्बत पहलू निकाला जा सकता है, लेकिन हर चीज़ कह देना कि किसी एक फ़र्द के ऊपर है ये भी बात दुरुस्त नहीं है।
جہاں تک بات ہے میں اس لیے بیان کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر تمام چیزوں کا ایک اپنا وجود ہے رسول. اب یہ دیکھیں ہم نے تو نہیں کہا کہ اسلام یہ پانچ چیزوں کے اوپر ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس, کہ اسلام کی بنا ان پانچ چیزوں کے اوپر ہے. اب دیکھیں کوئی بھی مولوی صاحب ہیں, کوئی بھی عالم دین ہیں, کوئی بھی مفتی ہیں, کوئی بھی حافظ صاحب ہیں, کوئی بھی قاری صاحب ہیں, کوئی بھی ہیں, انہوں نے تمام تر چیزیں قرآن و سنت سے نکالنی ہیں. اب چونکہ ہمارا موضوع تو یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہم کیا کرنا ہمیں کیا کرنا چاہیے, اصل تو ہمارا فوکس آج اس پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن بات پھر اس طرف نکل آئی. تو اسلام کو جس چیز کی ضرورت ہو, اس لیے خالق کائنات نے فرمایا نا کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا کیا ہے؟ ہر طریقے سے جس معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہو اس معاشرے کو وہ چیز مہیا کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے.